आचना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम भी बैंगलोर से हो, तुम्हारा नाम भी योगेश है। क्या चल रहा है बैंगलोर में? अबे जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना, तो बैंगलोर में कोई बिशप कॉटन स्कूल है, वहाँ पे लड़कियाँ बॉल पकड़ पकड़ के गैंग वॉर कर रही हैं। मैं क्लिप नहीं बता सकता, बट मैं लिंक दे दूंगा, और मेरे ट्विटर पर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं 99% श्योर हूं मैं लिंक देता नहीं हूँ। अबे वॉइस ऑफ गैंग वॉर, मॉन्स्टर वाला नहीं लिटली गैंगस्टर वाला चल रहा है भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, वीडियो में उतना मजा नहीं है जितना उसमें मजा है। मैं देख के ताजुब करूँ, कौन क्यों? अरे बाल छोड़ दे, गंजी हो जाएगी, विग पहना हो उसने। अबे लौंडो को की लड़ाई छुड़ानी पड़ी, मैं थप्पड़ मारने का मन कर गया मुझे उस लौंडे का। ना दो लड़कियां लड़े तो लड़ाई रोकते ही नहीं है, यहाँ पर ग्रुप में लड़ रहे हैं, लड़ने देना। No, you never break up a girl fight, never. भाई साहब ये सही है, बारिश भी बैंगलोर में, लड़कियों की लड़ाई भी बैंगलोर, लगता है बैंगलोर आना ही पड़ेगा। पछवाड़ बैंगलोर बन जाएगा, बैंगलोर से ज्यादा लोग देखते नहीं, नहीं आऊंगा बैंगलोर। अब कमेंट में भाग दोगे तुम लोग, अरे भाई आजा मैं देखता हूँ। अरे कल का मैच देखा किसी ने आईपीएल का? अबे भाई साहब क्या मैच, क्या मैच, दिल खुश हो गया भाई साहब। अबे मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करके गया, मैं वीडियो एडिट कर रहा था भाई साहब, मैंने वीडियो एडिटिंग छोड़ दी बाद में, आखिरी ओवर में छोड़ दी, मैं कहा ये क्या हो गया, क्या चल रहा है भाई को। रिंकू शर्मा, ओहो कौन था, क्या था, क्यों, क्या आत्मा चढ़ी उस बंदे पे, अगवा नहीं जाने। बट आजकल क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मैं आज किसी पे पनौती नहीं लगाने वाला, क्योंकि आज कोई टीम हारी ना मुझे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी। बट छोड़ो मैच के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। अब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, सुपर खालसा वर्सेस पेप पॉय, पी पॉय चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अरे ड्यूरासेल थोड़ी हो यार, रुक जाओ, समझ सकती। अभी तुम्हें मालूम है कल बात करी थी कि हाँ दोनों इंस्टाग्राम पे तू तो मैं कर रहे थे, अब सुपर खालसा ने एक लंबी चौड़ी सी वीडियो डाल दी कि हाँ हाँ है, सोचना भी मत, जो तेरा 90 दिन करेगा ना तू शुरू, वो मेरा वार्म अप है। तो बेटा जो तेरा वो वर्कआउट है ना, उतना तो मैं सिर्फ वार्म अप करता हूँ अपने वर्कआउट से पहले। ये क्या बात की भैया, दिख रहा है मेरे थाई से ज्यादा मोटे तेरे डोले हैं, डोला नहीं आया डोला। बट ये सब करने के बाद ना उसने मतलब पेपर आकाश भैया को डाला होगा मैसेज वैसे, तो आकाश भैया ने कहा छोड़ो मिट्टी पाओ, ब्लॉक मार देते हैं, मार दिया। मैं क्या ठीक है ना, बालतू में खींचने से फायदा क्या, मैं संदीप महेश्वरी को भी यही बोला था कि मिट्टी पाओ यार, आगे बढ़ो, अपने काम से काम रखते हैं, क्या करना बेफालतू में पढ़ना है इन बेवकूफी चीज़ों में, कुछ नहीं रखा भाई साहब, सब मुंह में आया है। बट संदीप महेश्वरी की बात करें तो अभी संदीप महेश्वरी जी ने अपना एक नया वीडियो डाला जहाँ पे उन्होंने ये कहा। मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि क्या हो अगर इसी तरह से आगे और कुछ सेशंस हो और उसमें आपकी जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे आए, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर वो बैठे होंगे और आप लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे जो चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसा लग रहा है आइडिया? उसके बाद में उनको हम इनवाइट करेंगे और वो लोग यहाँ पर आएंगे और एक मजेदार सा कुछ सेशन होगा, कोई नेगेटिव बातें नहीं होंगी, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी, सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी, इंस्पिरेशनल बातें होंगी। उस सीरीज का नाम होगा मीट व्हाटएवर द नेम इज। और इसके बाद कल की वीडियो का टॉप कमेंट था कि भैया आप भी जाओ, अबे पागल हो गए, अबे लोग उसके नीचे कमेंट करके कह रहे हैं तू मजाक कर रहा है, बेस्ट जोक सुना मैंने इस वीडियो का, और आम ही लोग इतना बेइज्जत कौन करता है बे, इतना तो मैं नहीं कर रहा लोगों को बेइज्जत जितना तुम मुझे कर रहे हो। बट वो बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा नहीं, मैंने बहुत पहले भी बोला था, मैं आज भी वो इस चीज फॉलो करता हूँ, मेरे को इंटरव्यू और पॉडकास्ट समझ में नहीं आता, और मेरे को लगता है नहीं इतना लेंदी मेरे को कोई देखना चाहेगा, मैं खुद नहीं देखना चाहूंगा यार अपने आप को, अबे 8 मिनट में मैं खुद बोर हो जाता हूँ, उतनी लंबी बातें कौन झेलेगा मेरी, और उतनी लंबी बातें करनी होगी तो बाबा नहीं बन जाऊंगा मैं, ज्ञानी ठीक है यूट्यूब पे खत्म बात, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। फुकरा इंसान ने अभी रिएक्ट किया है, पता नहीं ये सब स्केलेटन करके कोई जो रोस्ट करता है वीडियोस पे, तो अभी उसने फुकरा इंसान के ऊपर रोस्ट किया, तो उसी पे रिएक्ट किया है अभी फुकरा इंसान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। भाई ये क्या नया ट्रेंड चल रहा है, एक बार मतलब क्या स्केलेटन रोस्टिंग, फिर शार्क रोस्टिंग, एलियन रोस्टिंग, कल से फुकरा इंसान लिखता हूँ तो पता नहीं कौन से रोस्टिंग दिखते हैं भाई। और इसके बाद एक और स्टोरी डाली जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अप्रिशिएट करें इंडियन क्रिएटर्स को तो इंडियन क्रिएटर्स भी ग्लोबल लेवल पे पहुँच सकते हैं, और कंप्लीटली एग्री मैन, जेन्युइनली फुकरा इंसान जितनी मेहनत करता अपनी वीडियो के लिए उतनी बहुत रेयरली देखी मैंने, मिस्टर रैंडम है वो काफ़ी मेहनत करता अपनी वीडियो के लिए, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, हरामी लोग हैं ना, अपना घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, मैंने वीडियो नहीं देखी स्केलेटन की, पर ठीक है अपना अच्छा करता होगा यार, लोग पसंद कर रहे हैं तो ठीक ही है, लोग तो कुछ भी पसंद करते हैं, टट्टी जहाँ दिखती है वो भी पसंद करते हैं। मैं बता रहा हूँ अगर किसी की बेइज्जती कर रहे हो ना, जब तक लोगों की बेइज्जती नहीं हो रही
तब तक वो तुम्हें पसंद करेंगे, लोगों को बेइज्जत करो, 410 हो जाएंगे, ओके? अबे होने वाले बाय गॉड, मानना पड़ेगा, एक पूरा महीना निकाला मैंने 411 पे। अभी ऑलमोस्ट एक साल होगा सबसे कम सब्सक्राइबर लूज किया मैंने इस महीने, मतलब अभी जो एक महीना बीता है लास्ट 30 दिन बीते। वाह, लोग सब्सक्राइबर गेन करने पे अपने आप को शाबाशी देते हैं, मैं कम लूज करने पे अपने आप को शाबाशी दे रहा हूँ। हंसते हुए चेहरे का मतलब है नहीं होता, बंदे ने कोई कम नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोफिया अंसारी वापस आ गई थी इंस्टाग्राम पे, ऐसी खबरें आ रही थी। मतलब बहुत सारे फेक अकाउंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एक अकाउंट था जिस पर 4 लाख फॉलोअर्स भी हो गए थे इंस्टाग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी करो, डिलीट मारो क्या हवस की पुजारन को, डिलीट मारो। अरे मैं कह रहा हूँ इतना जो करती है तू, इससे बढ़िया ओनली फैंस खोल ले अपना, है सब कुछ लेजिट भी चलता रहेगा। अरे बहुत सारी लड़कियों ने किया हुआ है यार, पहले वो इंस्टाग्राम पे करती थी, फिर इंस्टाग्राम बैन कर दे। अबे मैं एक ऐसी इंस्टाग्राम मॉडल को जान, मतलब न्यूड मॉडल है वो, जो इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती पूरी, मतलब सेंसर करके ऑफकोर्स, बट उसका अकाउंट आज भी है क्योंकि उसके पास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इसके पास ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं। डिलीट टाइम इज अ बिच ऑफ अ सन। तारक मेहता को उल्टा चश्मा। कल खबर ये आ रही थी कि जो तारक मेहता प्ले करता है ना, शैलेश लुधिया जो भी है, वो क्विट कर रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है अपने सीन से, या जो एपिसोड बन रहे हैं इससे, हज़ार चीज़ें बता दी थी। अब डायरेक्टर आके कह रहा है नहीं कर रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा मेरे पास तो खबर नहीं है क्योंकि हम 10 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। मैं क्यों ही कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, प्राइवेट है, बंद करो यार, खुले में हकना बंद करो। और ये मुंबई का निकल कितना फुकरा चल रहा है यार, फुकरा इंसान तो छोड़ो, फुकरा इंसान फिर भी काम करता है। मुंबई का निकल फ्री चल रहा है यार, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है। अभी उसका एक और इंटरव्यू आ गया किसी और चैनल पे, मतलब कर्ली टेल्स करके जो है मेरे ख्याल से, पता नहीं नाम भी क्या उस चैनल का, बट मेरे को पसंद था वो, अब नहीं देखूंगा मैं। अबे जेन्युइनली यार कुछ भी हो रहा है, बट मुंबई का निकल के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो योर इंडियन कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं। सो अभी विहित भाई ने एक ट्वीट किया जहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा वो किसको पोक कर रहे हैं, फ्लाइंग बीस को कर रहे हैं यार, मतलब पेट्रोल के प्राइस कम करने के लिए भी अब हवन कराना पड़ेगा, ये करके उन्होंने ट्वीट किया। और तुम्हें मालूम है हवन से रिलेटेड भी रिसेंटली फ्लाइंग बीस साहब बोल रहे थे कि वो हर महीने हवन करेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ बैठो, हर रात हवन करते हैं, हवन करेंगे। थर्ड चैनल पे डेली लाइव शुरू कर दी भाई, आधे घंटे आता हूँ मैं डेली अब। कुछ भी पेट्रोल छोड़ो, टमाटर के प्राइस बढ़ गए भाई साहब, मतलब टमाटर के प्राइस बढ़े, लोग इस बात पे रोने की जगह पे मीम बना रहे हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन इंडिया राइट नाउ, टमाटर बेचने वाला, मुझे जल्द ही बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। अबे यार मुझे तो दुख हुआ एक्चुअली ये जान के, मतलब इसलिए दुख नहीं हुआ कि प्राइस बढ़ गए, दुख इसलिए हुआ कि टमाटर के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना पापा ने यहाँ पे इधर ही पीछे टमाटर का पौधा लगा रखा है, तो वहाँ पे 8-9 टमाटर उग गए थे, बंदर खा गए साले, महंगी चीज है नहीं खाना उसे, साले बंदर क्या जाने टमाटर का स्वाद, हमारे यहाँ के बंदर जानते हैं, मैं कह रहा हूँ अदरक ही लगाते हैं क्योंकि कहावत यही है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, खाएगा ही नहीं वो, जे बॉय कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। अभी बात हो रही है कि आनंद मूवी जो थी राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की, हाँ कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उसका रीमेक करने वाले हैं। सुन के दिल से नहीं आया क्यों, दोनों ने इतना अच्छा तो काम किया है, कहाँ तुम्हें लग रही है गड़बड़ कि तुम्हें दोबारा बनानी है, साले बनाएंगे भी तो क्या करेंगे, अमेरिका में शूटिंग रख देंगे, अर्जुन कपूर को ले आएंगे, वरुण धवन को ले आएंगे, पता चला कल होना होगी रीमेक कर देंगे आनंद के नाम पे। हाँ सैफ अली खान तू फ्री है, शाहरुख तू फ्री है, प्रीति इतना चलो आनंद, बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, कम ही लग रही है किसी चीज की, तो एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद दीजिएगा। अरे अभी एंड मजा नहीं है ना, कहते ना अंत भला तो सब भला, तो एंड भला होना चाहिए, तो इरशाद दीजिएगा, दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। तो अर्ज किया है कि हमसे जुदा हुए तो बरसों हो गए, गौर फरमाएगा बहुत डीप लाइन है, कि हमसे जुदा हुए तो बरसों हो गए, घड़ी अभी भी पहनते हो, किसका इंतजार है, तुम्हें मालूम है मैं टिप्पणी मारने वाला इस शायरी पे, मेरी घड़ी खराब है और हामी मेरा फोन खराब है, मेरे को टाइम देखना है इसलिए मैंने पहनी है, तू अपने अपने काम से काम रखना, मैं घड़ी पहनू चड्डी पहनू तेरे को क्या, अपना जिंदगी देख, खराब है कुछ भी लिख रहे हैं यार इस शायर, चलो बाय पीस।